हर साल होने वाले आईपीएल मैचों पर देश विदेश से भारी अवैध सट्टा लगाया जाता है और राजधानी दिल्ली भी इससे अब अछूती नहीं है। इसी कड़ी में दिल्ली के रोहिणी जिला अंतर्गत विजय विहार थाना पुलिस ने गुप्त और पुख्ता सूचना के बाद इलाके में ऑनलाइन चल रहे आईपीएल सट्टेबाजी के गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को धर दबोचा है। जिले के एडिशनल डीसीपी रविकांत से मिली जानकारी के अनुसार विजय विहार थाना पुलिस को मुखबिर से रिठाला इलाके में आईपीएल मैच पर ऑनलाइन बैटिंग की सूचना मिली थी, जिसके बाद एसएचओ विजय विहार अनुज अग्रवाल के नेतृत्व में एसआई राजीव और कांस्टेबल बलराम लहरी और रवि आदि की टीम ने बताए गए पते पर रेड की और वहां से 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम तरुण, दिनेश और दीपक हैं, जो कि रिठाला और बुधविहार के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 5 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 1 एलईडी टीवी समेत अन्य सामान और करीब 1,09,000 रुपए से ज्यादा की रकम भी बरामद की है। रोहिणी जिले की विजय विहार पुलिस स्टेशन ने ऑनलाइन आईपीएल क्रिकेट सट्टा चलाने वाले एक गैंग को बस्ट किया है। 26 अप्रैल की शाम यानी कल शाम हमें एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच चल रहे मैच में कुछ लोग ऑनलाइन बेटिंग कर रहे हैं। इस सेक्रेट इन्फॉर्मेशन के आधार पर इंस्पेक्टर अनुज अग्रवाल के नेतृत्व में एक रेडिंग टीम का गठन किया जाता है, जो कि रिठाला के खसरा नंबर 967 पर रेड करती है और यहां से 3 लोगों को अरेस्ट करती है जो वहां ऑनलाइन सट्टा चला रहे थे। ये अरेस्टेड पर्सन के नाम है तरुण, जो कि रिठाला का ही रहने वाला है, दीपक जो कि बुद्धविहार का रहने वाला है, और तीसरा दिनेश खत्री है, ये भी रिठाला का ही रहने वाला है। इनके पॉजिशन से हमें कुल 1,09,000 रुपए कैश, 5 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 1 एलईडी टीवी, 2 नोटबुक, 1 कैलकुलेटर और 2 पेन हमने सीज किए हैं। इसपे गैम्बलिंग, दिल्ली गैम्बलिंग एक्ट के अंडर सेक्शन 3, 4 और 9 के तहत इस पे एफआईआर रजिस्टर करके फर्दर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बहरहाल विजय विहार थाना पुलिस ने गैम्बलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों के खिलाफ अब पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। साथ ही मौके से बरामद सामान को जब्त कर पुलिस अब इनके खिलाफ आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।